गुड मॉर्निंग। आज के इस कॉन्फ्रेंस में मंचासीन हमारे एएसटी श्री कांताराव जी, श्री महेश जी, श्री संजय जी, श्री आशुतोष जी और इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित डीओटी के ऑफिसर्स, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, स्टार्टअप्स और एकेडमिया। प्रारंभ में कांताराम जी ने बताया कि ये हॉल बड़ा है इसीलिए संख्या कम लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि नेता लोग को ये हैबिट हो गई है, जहाँ भी जाए पूरी संख्या नहीं देखे तब तक उनका स्पीच करने का मूड नहीं आता है। इसीलिए एएसटी सर ने ये बताया कि आप ये मत समझिए कि ये हॉल में संख्या कम है, लेकिन जो है वो वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं ये कॉन्फ्रेंस के लिए, जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए अति आवश्यक है ऐसा कॉन्फ्रेंस, जो एक तरीके से जिस सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाकर डिस्कशन के लिए बैठाए, ऐसा पहला कॉन्फ्रेंस है। मैं ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए एएसटी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ और ऐसी कॉन्फ्रेंस को शुभकामनाएं भी देता हूँ। हम जानते हैं कि भारत नेट टेलीकॉम का व्याप फैलाने में बड़ा महत्व का रोल करता है। जिस तरीके से यूएसएफ ने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है, हाँ ये जरूर है कि काम इतना फास्ट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। जो फेज मैनर का हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, फेज वन, फेज टू और अभी फेज थ्री का, लेकिन उसी के ही चलते एक बात आई कि कुछ फंड एक्स्ट्रा अलॉट किया जाए जो आरएनडी के लिए काम करें। तो आज 1 अक्टूबर से 5% ये एक्स्ट्रा फंड भी दिए जा रहे हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करेगा, और इसी फंड्स का बेनिफिट इंडस्ट्री को भी मिलेगा, स्टार्टअप्स को भी मिलेगा। और हम ये कॉन्फ्रेंस में यही बताने आए हैं कि आप इस फंड का मैक्सिमम यूटिलाइज करें। जो सरकार ने, आदरणीय मोदी जी का ये लक्ष्य रहा है, हालांकि बड़ा लक्ष्य है, कि पूरे भारत के 6,40,000 गांव में हमें ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना है, और अब तो गांव में नहीं हाउस होल्ड तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तब ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब बड़ा लक्ष्य होता है तो उसकी चैलेंजेस भी बड़ी होती है, और इस चैलेंजेस को अगर मीट करना है तो कोई एक अंग अगर तय करे गवर्नमेंट का कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। और इसी के लिए ही आज सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बुलाया है, जिसमें इंडस्ट्री भी है, एमएसएमई भी है, स्टार्टअप भी है, ऑफिसर्स भी है, एकेडमिया भी हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस, मैं ये मानता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, और ये जब अलग अलग सेशन में अलग अलग सब्जेक्ट पे आप जब डिस्कशन करेंगे और इसका जो निष्कर्ष आएगा, वो निष्कर्ष हमारे विभाग के लिए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी रहेगा। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हर गांव में टेक्नोलॉजी पहुँचे। जब हमारी फिलोसॉफी की बात, अंत्योदय की बात करते हैं, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, हर किसी के पास टेक्नोलॉजी पहुँचे, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन, हेल्थ और अलग अलग यूज़ केसेस, जैसे एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, साथ में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, हर ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री साथ में मिलकर गवर्नमेंट का ये पूरा जो विज़न है उसमें काम में अपना पूरा मन लगा के हम जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज लास्ट एंड पे लाना चाहते हैं, जो अंत्योदय की हमारी फिलोसॉफी है, उसमें सहयोग करें। और ये तब पॉसिबल होगा, क्योंकि किसी एक प्रोजेक्ट को बनाने से हमें सफलता नहीं मिलती है। प्रोजेक्ट तो हमने बनाया भी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट्स का टाइम बाउंड रिव्यू भी होना चाहिए।
कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है, सपोज आज हम जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को 6 महीने के बाद उसका स्टेटस हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, तब जाके हम दिसंबर 2023 तक हमारा जो लक्ष्य है कि हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे, तब जाके हम उसको लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसी ही कॉन्फ्रेंस में जो विचार विमर्श होगा, उसमें जैसे कि बताया गया कि कोई प्रोडक्ट तो बना लेता है लेकिन प्रोडक्ट तो खरीदवाने वाला नहीं है, बायर्स नहीं है, तो प्रोडक्ट्स ऐसी बनाए जाए जो बायर्स को लिए उपयोगी हो। केवल क्रिएट करने से कुछ नहीं होता, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट हर किसी को खरीदने के लिए मजबूर करे, और वो ऐसी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हो। तो इस प्रोडक्ट बनाने में आप, मैं मानता हूँ कि आज जो इस हॉल में बैठे हैं वो टेक्निकन मतलब DOT में जो ऑफिसर से लेकर जो MSME है, SME है, जो भी है, एकेडमिया है, वो सारे वो लोग हैं जो भारत के भविष्य को तय करेगा। एक ऐसा कॉन्फ्रेंस आज होने जा रहा है जो कॉन्फ्रेंस नई टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं और कैसी प्रोडक्ट बनाए जिससे हम उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आज कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस का ऐसा निष्कर्ष बाहर आए जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य है कि गांव के दूर दराज अंतिम छोर पे जो गरीब बैठा है, जो गांव का सामान्य जन बैठा है, उसके जीवन में हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से परिवर्तन आए। और ऐसा परिवर्तन लाने में आज का ये कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस कॉन्फ्रेंस को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।